जंगली कुत्ते हैं यार, इरादा बदल लेते, मुझे सही नहीं लग रहा। इन्हें चलाना है हमको, कैसे चलाएंगे? प्लीज यार, उठ नहीं पा रही है, मेरे शूज में पूरी स्नो जल गई है, बचा ले प्लीज। आज की वीडियो होने वाली एक बहुत ही डेयरिंग वीडियो, बिकॉज मैं आई हुई हूँ फिनलैंड और यहाँ का टेम्परेचर है -10। यू डोंट बिलीव मी, मैं आपको अपने आसपास दिखाती हूँ, सिर्फ बर्फ है, सिर्फ स्नो। आज मैं करने वाली हूँ लिविंग इन द स्नो फॉर 24 आवर्स चैलेंज। लाइक मैं 24 आवर्स के लिए सिर्फ बर्फ में रहने वाली हूँ। पता नहीं है रह पाऊंगी भी या नहीं, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू स्टे इन स्नो फॉर 24 आवर्स। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ यहीं पे, स्नो एक्टिविटीज करने वाली हूँ, मस्ती करने वाली हूँ, फन करने वाली हूँ। इन शॉर्ट हम बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं, सो स्टे विद मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, इतना सारा सामान लेके आ रही हूँ मैं, पर आपको पता है मैं तो अंदर एंटर ही नहीं करूंगी आज अपने होटल में। क्या करूं? पूरे दिन आइस में रहना है। बाय द वे, इसे स्नो स्लेज कहते हैं। इसके ऊपर सारा सामान मैंने रखा है और इसको मैं अपने रूम तक छोड़ने जा रही हूँ। सो गाइस, इस ड्रीमी सी लोकेशन पे हर्ष को स्लेज करके लेके जा रही हूँ हमारे इग्लू तक। ओह माय गॉड, ये ड्रीम है गाइस, बहुत ड्रीमी है। फ्रेश, मुझे भी करा ये। तो गाइस आप देखो हम कहाँ पे हैं इस टाइम। मेरे सामने रेंडियर्स हैं। कम कम रेंडियर कम। गाइस हम देख रहे हो जन्नत जैसी जगह पे है। ये उतरना नहीं चाहता इससे। मुझे मजा आ रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, गिरा मत दियो प्लीज, गिरा मत दियो प्लीज, गिरा मत दियो हर्ष प्लीज। मेरे को लग रहा है मुझे गिरा देगा गाइस। काली की तरह काली की तरह यार, ये कैसी राइड्स बनाई हुई है इन्होंने। इट्स लिटरली लाइक माय ड्रीम गाइस, आई एम ऑन माय ड्रीम वेकेशन। क्या ब्यूटी है यार, वाओ। तो गाइस अब क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब स्नो ही तो पड़ी हुई है हर जगह, बंदा करे तो करे क्या, एवरीवेयर ऑल अराउंड मी सिर्फ स्नो ही स्नो है। तो अब क्या करूं मुझे नहीं समझ आ रहा। आई थिंक कोई एक्टिविटीज कर लेते हैं, जब स्नो में है तो पूरे दिन स्नो एक्टिविटीज करते हैं, देखते हैं मैं कितनी सारी स्नो एक्टिविटीज कर सकती हूँ। स्नो एक्टिविटीज करते हैं। 24 आवर्स इन स्नो, इतना अच्छा स्नो का चैलेंज आई डोंट थिंक सो किसी ने करा होगा। लिटरली स्नो में हूँ, आर्कटिक सर्कल आ गई हूँ मैं ये चैलेंज करने के लिए। सिर्फ किलो के हिसाब से स्नो है, मतलब जितनी ले लू कम है। और ये बाबा सूट भी पहन लिया है। अभी मैं आ गई हूँ हस्की फार्म में, इतना ब्यूटीफुल है ये। हमें अभी हस्की राइड कराने वाले हैं, तो आपको मिलवाते हैं हस्की से, जो हमें कराने वाले हैं रैफी द हस्की। मजा आने वाला है गाइस, मजा आने वाला है, पागल हो रही हूँ मैं, पागल। तो गाइस हम हस्की सफारी करने वाले हैं और बहुत डर लग रहा है, बिकॉज काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। डर तो नहीं लग रहा है, मुझे तो काफी डर लग रहा है। एंटरटेनिंग है, स्नो में सुन लेते हैं, इंस्ट्रक्शन सुनते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। Like I told you, it's very important you get the driving instruction, because it's like if you drive a car but you don't know how to drive, it's very dangerous. Same with the sled. You keep everything inside. Only jump, very important. Right? Your hands, your head, everything inside of the sled here. Because the trees can come very close here. If you hold like this, the tree will hit your hand, break it and it will leave behind. Harsh. मुझे सारी इंस्ट्रक्शन समझ आ गई है। मुझे आ गई, बट मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? उसने बोला है नो स्मार्टफोन नो कैमरा। क्या लगता है हर्ष, हम सरवाइव कर लेंगे? बहुत जबरदस्त आवाज सुन रहे कुत्तों की, कितनी गंदी। भाई हमारे आसपास सिर्फ कुत्ते कुत्ते, इनको चलाना है हमें। और पता है हर्ष से तक डर रहा था अभी एक के पास जाने से ही, ये कैसे जाएंगे, जंगली कुत्ते हैं यार ये। हमारा स्नो राइड, हम आगे चलते हैं, सबसे एंड में हम अकेले न रह जाएंगे। कैसे मचा रहे हैं, शोर सुन रहे हो गाइस, कैसे आ रहे हैं? जैसे शिकार, शिकार होने वाला होता है ना, शिकारी है यार। इनकी तो आवाज सुन के डर लग रहा है मुझे, एक्साइटेड। आइदर वे द बेस्ट थिंग इज कि हम लोगों ने अरोरा विलेज से ओवरऑल्स ले लिए थे, जो कि बहुत ही वार्म रखेंगे हमें इस राइड के लिए। वार्म रहना बहुत जरूरी है।
इरादा बदल लेते हैं, मुझे सही नहीं लग रहा। मुझे भी डर लग रहा है बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा है मैं और शिकार करने यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। हर्ष वापस चलते हैं, ये खा जाएंगे हमें, इन्हें चलाना है हमको, कैसे चलाएंगे, मुंह देखो कितने बड़े बड़े हैं। यार मेरे को तो लिटा दिया इसने सस्की में, डर लग रहा है बहुत, कुत्ते भगा रहे हैं, पहले इतनी तेज कुत्ते थोड़ी भागते यार, बहुत तेज भाग रही, कर क्या रहे हैं बंदे, मेरी चलाने की बारी आ गई है, मैं कैसे चलाऊंगी गाइस, यार ये भगा नहीं रहा है कुत्तों को, मुझे मजा नहीं आ रहा यार, मुझे ओ मैन, हेलो भगवान, यो यो पार्टी बाद में बदबू मचा दी तूने, बहुत बदबू आ रही है यार, सच में यार ये मेरे पास नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, शायद ये हर्ष को ज्यादा पसंद करता है, उसके पास आ रहा था, आ जा सुन ले मेरी बात, इसकी आंखें कितनी प्यारी है यार, आई कुड ईट देम, इतने प्यारे हैं, अब आवाजें ही ड्रावनी निकालते हैं, इतने क्यूट है यार, देख रहे हो गाइस ये चैलेंज मैंने कैसे पूरा किया है, आर्कटिक सर्कल में स्नो के बीचों बीच, अभी मैं बस रेस्ट कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि अगली एक्टिविटी क्या करूँ। प्रेरणा बहुत ठंड बढ़ गई है, अब चले अंदर। हाँ यार बहुत ठंड बढ़ गई है, बट ये स्नो गेयर में मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, -20 है फिर भी नहीं लग रही यार, स्काई देखो इवनिंग हो गई है, क्या पर्पल कलर का, ऑरेंज पर्पल कलर का स्काई मैंने कभी नहीं देखा यार, ये कैसा स्काई है, आज रात को बहुत सुंदर नॉर्दर्न लाइट्स दिखने वाली हैं, ये 24 आवर चैलेंज तो मेरे लिए और भी ब्यूटीफुल हो गया यार। मुझे देख के दिल कर गया तेरा करने का, बहुत ज्यादा गाइस, पूरे दिन स्नो में तो यही कर सकता है ना इंसान, स्नो एक्टिविटीज और क्या कर सकता है, ओए होए बड़ा गोलू क्यूट लग रहा है, आई यू गो इन फ्रंट, आई विल बी इन द बैक, नहीं ना मैं, तू कैमरा होल्ड करना, चल नहीं ना, ओह कम ऑन मैन, हमेशा इसको डरता है, ठीक है परफेक्ट है, चलाऊं मैं, अबे इधर कर ले, सारी बर्फ मेरे मुंह पे आ गई, तू मेरी हेल्प कर प्लीज यार, मैं उठ नहीं पा रही यार, अबे यार ये अंदर जा रही है बर्फ, अरे अरे ऐसा पति है तू निर्मल, तेरे को ही रहना था ना लिविंग इन स्नो फॉर 24 आवर्स, दे रे इंसान मेरे को बचा ले, ये अंदर जा रहा है देख, अंदर अंदर जा, कैसे निकलूं, ओह शिट शाम बढ़ चुकी है, मैं मर जाऊंगी, ओ भाई ओ भाई मेरे प्यार बचाओ, अबे काम मेरे शूज में पूरी स्नो जल गई, मेरे को बचा ले, पूरे पैर ठंडा हो गए, बचा ले, अरे मजाक मत समझ प्लीज, फोटो मत बना, भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे, कहां जान के लेके आए स्नो मोबाइल ट्रैक पे ताकि मैं मरूं, सारा खराब कर दिया, पूरा पैर में पानी चला गया, गिर तू भी गिर, तो ये बहुत ही सेक्सी राइड होने वाली है, हम एक स्लेज पे बैठेंगे जो एक स्नोमोबाइल पुल करेगा और फिर वो हमें एक लेक पे लेके जाएंगे और उस लेक के ऊपर नॉर्दर्न लाइट्स दिखाएंगे, इट्स गोइंग टू बी सो रोमांटिक, आई कांट इवन टेल यू मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, प्रोबेबली इस अटायर में आपको मेरी एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही, मैं रॉबर जैसी लग रही हूँ, एक चोर जैसी लग रही हूँ, चलो लेके चलते हैं 24 आवर्स इन स्नो चैलेंज।
सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो इस टाइम, एक्चुअली आप देख नहीं सकते हो मुझे, बस मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं इस टाइम एक लेक पे हूँ, फ्रोजन लेक पे। यहाँ आसपास सब अपनी फोटोज क्लिक कर रहे हैं नॉर्दर्न लाइट्स की, सब मुझे बहुत डांटने वाले हैं क्योंकि मैं फ्लैश लाइट यूज कर रही हूँ, जो कि बहुत ही गलत चीज है क्योंकि नॉर्दर्न लाइट्स आती नहीं फ्लैश लाइट में। बाय द वे मैं आपको फोटोज में दिखाती हूँ कि नॉर्दर्न लाइट्स कैसी है। बहुत ठंड है यार, -40 -50 है, मजाक नहीं कर रही, आपको झूठ लग रहा होगा, आप खुद देख लो टेम्परेचर फोरकास्ट इवालो का फेब में कैसा होता है। और लेक है, फ्रोजन लेक है, बहुत सुंदर जगह है, फोटोज में दिखा दी। बाय द वे गाइस, इट्स टाइम टू मूव अवे फ्रॉम हियर, हम टीपी जा रहे हैं अपने ड्रिंक्स एंड स्नैक्स के लिए। सो ऑल आई वांट टू से इज बहुत ज्यादा ठंड है एंड आई हैव टू एंड दिस चैलेंज राइट अवे राइट हियर। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो, इफ यू डिड, इतनी मेहनत करी है, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।